दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर में लगा रखा है मनी प्लांट का पौधा, तो आप गुरुवार को यह चार आसान उपाय करें। धन धान्य में होगी दुगनी वृद्धि, कैरियर में भी आपको मिलेगा ग्रोथ। दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का आरकेपी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जीवन में यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मनी प्लांट को वास्तु में धन को आकर्षित करने वाला पौधा बताया गया है। मनी प्लांट को घर में लगाने से व्यक्ति के धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। मनी प्लांट से जुड़े कुछ सरल उपाय यदि व्यक्ति गुरुवार के दिन करता है, तो धन धान्य में दुगनी वृद्धि होती है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार को धन का कारक ग्रह बताया गया है। ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं गुरुवार के दिन मनी प्लांट के कुछ सरल उपाय क्या है। मनी प्लांट तो धन आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को घर में लगाने के कई फायदे बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे अपने घर में लगाने से घर में धन धान की कोई कमी नहीं होती, घर में समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि मनी प्लांट जितना हरा घना और फैलता जाता है, उतना ही व्यक्ति का धन बढ़ता जाता है। इसके अलावा मनी प्लांट को घर में लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है, साथ ही घर में कई तरह के वास्तु दोष भी इसे लगाने से दूर होते हैं। हालांकि मनी प्लांट सिर्फ लगाना ही काफी नहीं होता, बल्कि इसमें सिर्फ एक चीज रख दी जाए तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। आइए जानते हैं मनी प्लांट से जुड़े कुछ वास्तु नियम क्या हैं। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु में उत्तर दिशा को कुबेर देवता की दिशा माना गया है। इसके अलावा पूर्व दिशा भी काफी शुभ फलदायी होती है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है मनी प्लांट लगाने के बाद भी व्यक्ति को धन धान्य का शुभ फल नहीं मिल पाता, इसीलिए मनी प्लांट में गुरुवार के दिन पीले रंग का कलावा या फिर लाल रंग का धागा 7 बार लपेट कर बांध दे, तो ऐसा करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से आप पर शुक्र ग्रह की कृपा भी बनी रहेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होने लगेगी। मनी प्लांट के पत्ते पर चने की दाल और गुड़ लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और बाद में इसे गाय को खिला दें। कम से कम ऐसा आपको 21 गुरुवार तक करना है। ऐसा करने से आप भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर होगी, साथ ही आपको धन धान्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा गुरुवार के दिन हरे रंग की बोतल में गुरुवार के दिन मनी प्लांट का पौधा लगाकर अपने घर के किसी कमरे में उत्तर दिशा में रखें और हर गुरुवार के दिन इसका पानी बदलें और उसमें हल्दी जरूर डाल दें। ऐसा करने से धन धान्य की कमी तो दूर होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।